जामा साहब, ऐसा सुना है कि जब आप बोलने खड़े होते हो तो जो स्ट्रेचर में बैठा है वो ऐसे हिलने लगता है आपको सुन के, जो वेंटिलेटर पे है वो अपनी आंख खोल के देखता है। एक अम्मी का मेरे पर फोन आया, मेरे सामने रोने लगी कि बेटा मेरा लड़का मुझे मारता है, रोज मुझे मारता है, मुझे इससे तू बचा। मैं कह दूं अम्मी क्यों ऐसा कर रहा है, अम्मी बोली बेटा वो ड्रग्स ले रहा है। मेरे हृदय से दिल से मेरी जामा साहब को एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ये जो युवा वर्ग है जिसमें से 5 या 10% लोग ड्रग्स के तरफ चले गए हैं, इनको यहाँ से निकालना है। जो मेरे रांदेर की पब्लिक या बच्चों को, लड़कियां को इस बदी के तरफ धकेलेंगे और जो मेरे हाथ लग गए तो अल्लाह की कसम, भगवान की कसम, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। सलाम वालेकुम मेरे रांदेर वासियों को, मैंने मेरा रांदेर बोला है इसलिए मैं आपको मेरा परिवार का सभ्य और आपको मेरा परिवार समझता हूँ। मुनावर जामा साहब, आप यहाँ आने वाले थे उसके पहले मेरे रांदेर वासियों ने 15 दिन से मैं देख रहा हूँ सबने आपके लिए स्टेटस बनाया है कि मुनावर साहब आ रहे हैं, जामा साहब आ रहे हैं, जामा साहब आ रहे हैं। जामा साहब, मेरा पोस्टिंग यहाँ 8 महीने से हुआ है और ये रांदेर की धरती पर मैं 8 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस के दरमियान मुझे यहाँ हमारा जो लू पॉइंट्स है उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इनको मोटिवेट करना है। ये लोग बहुत होशियार है, यहाँ के युवा वर्ग यंगस्टर्स बहुत ही बढ़िया होशियार है। आपके लिए मैंने जामा साहब ऐसा सुना है कि जब आप बोलने खड़े होते हो तो जो स्ट्रेचर में बैठा है वो ऐसे हिलने लगता है आपको सुन के, ऐसे स्ट्रेचर में जो बैठा है वो ऐसे हिलने लगता है, जो वेंटिलेटर पे है वो अपनी आंख खोल के देखता है। ज्यादा तो आज आपको सबको जामा साहब को ही सुनना है, लेकिन मेरे हृदय से दिल से मेरी जामा साहब को एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ये जो युवा वर्ग है जिसमें से 5 या 10% लोग ड्रग्स के तरफ चले गए हैं, इनको यहाँ से निकालना है। अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे भेजा है इनको कुछ सिखाने के लिए। मैं अपनी 8 महीने की यहाँ की प्रैक्टिस से मैं बता रहा हूँ। एक मेरा किस्सा मुझे आज भी याद है, 4.5 महीना मेरा यह रांदेर पुलिस स्टेशन में एज ए पी आई हुआ था। एक अम्मी का मेरे पर फोन आया, अम्मी ने बताया कि बेटा मुझे तुझे मिलना है। मैंने बोला आ जाओ अम्मी, मैं बैठा हूँ पुलिस स्टेशन पे। अम्मी आई, उसका घरवाला भी साथ में था, मुझे मालूम नहीं अभी यहाँ सब मेरे भाई बहन अम्मी सब बैठे हैं इसमें है या नहीं है, आई डोंट नो। पर वो आके मेरे सामने रोने लगी कि बेटा मेरा लड़का मुझे मारता है, रोज मुझे मारता है, मुझे इससे तू बचा। मैं कह दूं अम्मी क्यों ऐसा कर रहा है, अम्मी बोली बेटा वो ड्रग्स ले रहा है, उसको कुछ बहाना ही नहीं है। मेरे पुलिस जवान, मेरे डिस्टर्ब के आदमी को मैंने बताया कि उसको मेरे पास लेके आओ। उसको लाया, पुलिस की भाषा में मुझे जो करना है वो मैं करने लगा। उस टाइम पे ये अम्मी खड़ी होकर मुझे ऐसा बताया कि बेटे रहने दो, जैसा भी है मेरा बेटा है। आज मैं आप सबको यहाँ जो जेंट्स बैठे हैं उससे ज़्यादा मेरी बहन माँ सब यहाँ पर बैठी है। जामा साहब, आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो लोग बैठे हैं दे आर द बेस्ट टीचर्स, बेस्ट टीचर्स। ये जो बैठे हैं बेस्ट टीचर्स हैं, इनको आपको मोटिवेट करना है कि इनको कैसे रास्ते पे लाना है। इनको ही आपको बताना है कि सबसे ज्यादा प्रेजेंस बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, ये सब यही देखेंगे और इनको ही आपको मोटिवेट करना है कि ये दूसरों से कैसे निकले। और जामा साहब, मुझे इतना जरूर से यकीन है कि जो लोग 15 दिन से आपका स्टेटस बना के घूमते हैं तो आप कुछ बताओगे तो इनकी असर इनके पर ज़रूर होगी। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये लोग जो ड्रग्स पेडलर है उसको, जो बड़े आदमी है यहाँ हमारे रांदेर में भी कई आदमी ऐसे हैं, वो कई लोग
हमारे वजह से, रांदेर पुलिस और सूरत पुलिस के वजह से अभी लाजपुर जेल में है। और मैं ये यहाँ से खड़ा होके ये मैसेज भी भेजता हूँ कि जो मेरे रांदेर की पब्लिक या बच्चों को, लड़कियाँ को, किसी को इस बदी के तरफ धकेलेंगे और जो मेरे हाथ लग गए, तो अल्लाह की कसम, भगवान की कसम, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। जामा साहब, आज आप आए हैं तो इनको ऐसा मोटिवेट करो कि ये लोग इस बदी से दूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।